तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कोफिशेंट होता क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे अगर मैं a प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करता हूँ तो क्या आता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ बी क्यूब का कोफिशेंट क्या है या ए क्यूब का कोफिशेंट क्या है, ए स्केयर बी का कोफिशेंट क्या है और या ए बी स्केयर का कोफिशेंट क्या है, तो कैसे करेंगे। ए क्यूब का कोफिशेंट क्या है, जो ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है, कॉन्स्टेंट चीज़, तो मल्टीप्लाई में क्या वन मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ इसको मैं। ऐसे बी क्यूब को वन मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, यानी कि ए क्यूब का कोफिशेंट क्या है वन। ऐसे ही बी क्यूब का कोफिशेंट भी क्या है वन। अगर मैं आपसे पूछूँ ए स्केयर बी का कोफिशेंट क्या है, ए स्केयर बी के साथ मल्टीप्लाई में क्या चीज़ है तीन, तो ए स्केयर बी का कोफिशेंट क्या है तीन। ऐसे ही ए बी स्केयर का कोफिशेंट क्या है तीन। ठीक है दोस्तों, इसमें तो बताना आसान है क्योंकि मुझे इसका फार्मूला पता है, लेकिन मान लीजिए जब मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब इसको ओपन करूँगा इसमें कुछ इस तरह की टर्म भी आएंगे बीच में, जैसे ए रेज टू पावर 15 बी की पावर 4, ठीक है दोस्तों, या ए रेज टू पावर 13 बी की पावर 6। उनके आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे 3 था यहाँ भी कुछ आएगा, या मान लो 15 आ गया, कुछ भी आ गया यहाँ भी कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पूछ लूँ भी इसका कोफिशेंट क्या है या इसका कोफिशेंट क्या है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ जनरल फार्मूले का। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 10 फाइंड कोफिशेंट ऑफ एक्स रेट पर 11। एक्स रेट पर 11 का कोफिशेंट पूछ लिया जाए, यानी कि जब भी मैं इसको ओपन करूँगा इसमें कहीं ना कहीं एक्स रेट पर 11 भी आएगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में होगा यहाँ, वो फाइंड आउट करना है। और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे 1a है 120 130 माइनस के 120 या 150। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। मुझे पता है जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, उसकी जनरल टर्म का फार्मूला ncr a रेस्ट पावर n माइनस r b रेस्ट पावर r। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पार्ट वन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन करते हैं tr+1। तो करना क्या है, हमें r की जगह r ही रहने देना है, ठीक है दोस्तों, और सारी जगह क्या कर देना है चेंज कर देना है। जैसे a क्या है एक्स स्क्र, बी क्या है 1/x और n की वैल्यू क्या है 10, फार्मूले में रख दो 10 सी आर, ए क्या है एक्स स्क्र ए रेज टू पावर n माइनस r और b क्या है, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं 10 सी आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स रेट पर 20 माइनस 2r, ठीक है दोस्तों, और ये क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स रेट पर r, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 10 सी आर एक्स रेट टू पावर 20 माइनस 2r डॉट ये एक्स ऊपर आके माइनस का हो गया, तो क्या बन गया ये एक्स रेस्ट पर माइनस आर, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ गया 10 सी आर एक्स रेस्ट पर, बेस सेम है, यहाँ भी एक्स बेस है यहाँ भी एक्स बेस है, तो पावर जुड़ गई, तो 20 माइनस 3r, ठीक है मेरे पास ये आ गया। अब इसको जहाँ तक सॉल्व हो सके वहाँ तक करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ तक सॉल्व करना। उसके बाद करना क्या है, जो ये x की पावर आई है और जिसका कोफिशेंट मुझे फाइंड आउट करना है, सिंपल उसके बराबर रख दो और मुझे r की, यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो। जैसे 20 माइनस 3r x की पावर ये आई है, इसको किसके बराबर रख दो 11 के बराबर रख दो, की वैल्यू निकाल लो, तो 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 3r, ये 9 आ गया इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू क्या आ गई 9/3 इज इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, ठीक है दोस्तों। तो r की वैल्यू उसके बाद कहाँ रख दो, इसमें रख दो सारे फार्मूले में, तो ये रखूँगा 10 सी 3 और x की पावर 20 माइनस के
तीन तीय नौ, आर की वैल्यू रखी तो टेन सी थ्री, तो क्या आ गया तीन तीय नौ और बीस में से नौ के क्या होता है ग्यारह, यानी कि एक्स की पावर ग्यारह के साथ मल्टीप्लाई में क्या चीज़ ये चीज़ है, बस इसको सोल्व कर लो वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ये आ गया टेन फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल, टेन को ओपन कर लिया सेवन फैक्टोरियल तक, सेवन फैक्टोरियल और थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, इससे ये कट गया तीन तीय नौ और दो चौके आठ, चार तीय बारह और बारह की दस के साथ 120, तो ए क्या आ गया मेरे पास राइट आंसर। इस तरह से आप किसी भी टर्म का कोफिशेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर नाइन, ठीक है दोस्तों, और पूछ लेगा फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स सिक्स वाई थ्री। जब मैं इसको ओपन करूँगा इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंशन बनेगी और जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशेंट है, वो क्या आएगा, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी। ए है 80, माइनस 84, 84 और 83, तो क्या होगा राइट आंसर, आइए देखते हैं। तो सिंपली करना क्या, पहले मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है, आइए करते हैं फार्मूला। तो टी आर प्लस वन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है नाइन, नाइन सी आर, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर और वाई रेज टू पावर आर, फार्मूले में सब वैल्यू पुट कर ली, यानी कि मुझे पहले आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करो, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ इसको, नाइन माइनस आर और वाई रेज टू पावर आर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, यहाँ आप किसी एक की वैल्यू कंपेयर कर लो, या तो आर वाई की पावर कंपेयर कर लो यहाँ पे, या एक्स की पावर कंपेयर कर लो, तो y की पावर कंपेयर कर लेते हैं, y की पावर क्या है यहाँ पे r और यहाँ पे y की पावर क्या है तीन, इन दोनों को बराबर रख लो, r की वैल्यू की तीन, अगर आप x की वैल्यू कंपेयर करते तब भी r की वैल्यू तीन आती, करके दिखा देता हूँ। जैसे x की पावर यहाँ क्या है नाइन माइनस r और y की पावर यहाँ पे क्या है सिक्स, तो r की वैल्यू माइनस और ये होती, तो माइनस r इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये इसके साथ कट जाता तो r की वैल्यू क्या आ जाती थ्री, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी तरह से r की वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकालने के बाद करना क्या मुझे, जस्ट यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो और वही क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, r की वैल्यू 3 है तो x की पावर 9 माइनस 3 और y रेस्ट पावर 3, तो इसको सोल्व किया 9 सी 3 एक्स की पावर 6 y की पावर 3, ठीक है दोस्तों। और मुझे इसी का कोफिशेंट चाहिए था, आगे ये एक्स रेस्ट पावर 6 y रेस्ट पावर 3 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको सोल्व करते हैं, नाइन से थ्री को सोल्व किया तो क्या आया नाइन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल और इसको ओपन किया नाइन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल को भी ओपन कर दिया, इसके साथ ये कट गया सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल कट गया, तीन तीय नौ और दो चौके आठ, ठीक है दोस्तों, चार तीय बारह और बारह सत्ते चौरासी, तो सी क्या आ गया मेरा राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक्स रेट पावर फोर माइनस के वन बाय एक्स क्यूब की पावर पंद्रह और कोफिशेंट पूछ लिया जाएगा हमारे पास एक्स रेट पावर बत्तीस का, यानी कि जब इसको मैं ओपन करूँगा कहीं ना कहीं एक्स रेट पावर बत्तीस बनेगा, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा कॉन्स्टेंट वो क्या है मेरा कोफिशेंट क्या है, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 1365 माइनस 1365 1000 और 1265, तो राइट आंसर क्या है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो टी आर प्लस वन का फार्मूला क्या है एन सी आर, ठीक है दोस्तों। ए क्या है एक्स रेस्ट पावर फोर है, ए रेस्ट पावर एन माइनस आर और बी रेस्ट पावर बी क्या है ये सारा माइनस वन बाई एक्स क्यूब की पावर आर, ठीक है दोस्तों। इसको और सोल्व कर लेते हैं 15 सी आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे चार के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जहाँ तक सोल्व हो सकता है वहाँ तक करना है, 15 चौके 60 माइनस के 4 आर, ताकि फिर मैं एक्स की वैल्यू कंपेयर कर सकूँ। इसको यहाँ अलग अलग करके लिख लिया, अलग अलग करके क्या लिखा, तो माइनस वन की पावर आर और एक वन बाय एक्स क्यूब की पावर आर, ठीक है दोस्तों। इसको और ठीक करके लिख लेते हैं 15 सी आर,
ये क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर 60 माइनस के 4r और माइनस 1 रेज टू पावर r, और ये ऊपर चल जाएगा एक्स रेज टू पावर क्या आ गया माइनस के 3r। ठीक है दोस्तों, इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस 1 की पावर r 15 cr। हाँ जी, यहाँ पे बेस क्या है, x की पावर है और यहाँ भी x की पावर है, बेस से मैं पावर क्या जुड़ गई, तो यहाँ क्या गया एक्स एक्स टू पावर 60 माइनस के 7r, 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुझे क्या करना है, x की पावर कंपेयर करनी है। यहाँ पे x की पावर 32 है और यहाँ पे x की पावर ये है, दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। मैं यहाँ कर देता हूँ 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, 32 माइनस 60 माइनस 7r इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 28। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि बस r की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ भी पुट करनी है दोस्तों, यहाँ से पता चलेगा मेरा प्लस है, आंसर प्लस है क्या माइनस है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, तो माइनस 1 की पावर 4 और यहाँ भी 15 c 4 और यहाँ भी 60 माइनस 7 मल्टीप्लाई 4। माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, 1 मल्टीप्लाई 15 c 4 और ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 32, तो ये 15 c 4, तो ये क्या आ गया मेरा कोफिशेंट आ गया 15 c 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, वो क्या आ गया मेरा 15 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, वो क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 15 × 14 × 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल, बाय में 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है दोस्तों, 4 × 3 = 12 यहाँ कट गया और 2 × 7 = 14 यहाँ कट गया, 15 × 7 = 105 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 13 = 13, तो आंसर क्या आ गया, ए क्या आ गया 1365 क्या आ गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस के 17, ये भी पूछ सकता था माइनस के 17, तो करना क्या था, सारा प्रोसीजर यही था, बस जहाँ पे यहाँ कंपेयर एक्स की वैल्यू कंपेयर की थी, यहाँ पे कंपेयर की थी, यहाँ 32 की जगह क्या जाता माइनस के 17, उसके बाद माइनस 7r माइनस के 17 ये उधर क्या आ जाएगा माइनस 60 होता, माइनस के 7r ये क्या होता माइनस के 77 ये कट जाता, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या जाती 11। ठीक है दोस्तों, r की वैल्यू क्या आ जाती 11, तो सिंपली उसके बाद करना क्या था, r की वैल्यू यहाँ क्या पुट करता मैं, यहाँ 11 पुट कर देता, आइए 11 पुट करके देखते हैं, माइनस 1 की पावर 11 15 c 11 और x रेज टू पावर 60 माइनस के 7 और मल्टीप्लाई 11। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करता और माइनस 1 की पावर क्या ओड नंबर है, तो ये क्या आएगा माइनस, यानी कि आंसर क्या आएगा मेरा माइनस में आएगा, और 15 c 11 ये मेरा कोफिशेंट आएगा, कोफिशेंट आएगा और इसको करेंगे माइनस के 17, बस इसको सोल्व करना है, 15 c 11 को सोल्व करेंगे 15 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल और 15 में से 11 गए 4 फैक्टोरियल, ये मैं अभी भी कहा हट इसको सोल्व करके हटाऊँ, 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्या आया था 1365 और इसके आगे क्या माइनस है, यानी कि मेरा आंसर आ गया माइनस के 1365। तो इस तरह से मैं किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई होप आपको समझा होगा, थैंक यू।